मेरे सभी YouTube के परिवार वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रकाश का पर्व दीपावली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और दिवाली का ये त्यौहार एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक होता है। धनतेरस से दिवाली का आरंभ होता है और भैया तूज पे इसका समापन होता है। आइए जानते हैं किस दिन किस तिथि को कौन सा त्यौहार है। सबसे पहले बात आती है धनतेरस की, तो इस साल धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं। परिवार की उन्नति के लिए धनतेरस पर सोना चांदी धनिया झाड़ू आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत है। इस बार यम का दीपक भी धनतेरस को ही निकाला जाएगा। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहते हैं। तो काली चौदस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होता है। काली चौदस पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हालांकि इस साल काली चौदस की पूजा 22 अक्टूबर की रात को होगी। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 24 अक्टूबर को दिवाली के साथ ही मनाई जाएगी। बात करते हैं प्रकाश का पर्व दीपावली की। कार्तिक अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को है। इस दिन रात के शुभ समय में माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और घर को दीपक से रोशन करते हैं। इस दिन जब भगवान श्री राम लंका विजय करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, तब दिवाली मनाई गई थी। तब से यह परंपरा चली आ रही है और हर साल इस दिन दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा या अन्नकूट 26 अक्टूबर दिन बुधवार को है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। इंद्रदेव के घमंड को दूर करने और गोकुल के लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर लिया था। उसके बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। और अब आता है भाई बहनों का त्यौहार भाई दूज। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाते हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे, तब उन्होंने यमुना को वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा, इसलिए भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल भैया दूज 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो ये था हर त्यौहार से दीपावली के जुड़े हर त्यौहार का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।